अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का वक्त अब नजदीक आ गया है। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली प्रतिमा का चयन भी अब हो गया है। मैसूर के अरुण योगीराज की बनाई 51 इंच की प्रतिमा गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। इसका आधिकारिक ऐलान 5 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय करेंगे। ये दावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा किया गया है। शोभा करंदलाजे और प्रताप सिन्हा ने भी इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया पर दी। आपको बता दें, प्रतिमा बनाने का काम 3 मूर्तिकारों को दिया गया था। ये तीनों मूर्तिकार अलग अलग जगहों पर प्रतिमा का निर्माण कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जहां राम है वहीं हनुमान है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन हो गया है। देश के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार हमारे गौरव योगीराज अरुण द्वारा बनाई गई भगवान राम की मूर्ति अयोध्या में स्थापित की जाएगी। यह राम हनुमान के अटूट रिश्ते का एक और उदाहरण है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हनुमान की भूमि कर्नाटक से रामलला के लिए यह एक महत्वपूर्ण सेवा है। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन है अरुण योगीराज। अरुण योगीराज कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से MBA किया है। विश्व प्रसिद्ध मूर्तिकार योगीराज के बेटे हैं। उनका 5 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम रहा है। उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 30 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई है। नेताजी की ये मूर्ति अमर जवान ज्योति पर मौजूद है। इसके अलावा केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और रामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा निर्माण भी इन्हीं के द्वारा किया गया है। वहीं आपको बता दें कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी देने के लिए 1 जनवरी से घर घर अक्षत निमंत्रण देने का काम शुरू कर दिया गया है। ये अभियान विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में शुरू किया है। महाराष्ट्र में भी सबके राम इस नाम से इस अभियान की शुरुआत हुई। यह अभियान 15 जनवरी तक चलाया जाएगा। आम और खास हर वर्ग के लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुछ दिनों पहले लोगों से अपील की थी कि वे 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन को दीपावली के रूप में अपने घरों में विशेष दिए जलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट 1 मिनट न्यूज़।